मध्य प्रदेश के हरदा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। यहाँ एक लड़का 11 साल पहले अचानक से गायब हो गया था। परिवार ने उसे खूब तलाशा, तमाम कोशिशें की, इसके बावजूद भी वो नहीं मिला। इसके बाद लड़के के पिता ने गांव के ही जो 5 लोग थे उनके खिलाफ अपने बेटे की हत्या का इल्जाम लगा दिया। केस भी चला और बंद भी हो गया। फिर अचानक से एक दिन उस गुमशुदा लड़के का पता चल गया और वो किन्नर बन चुका था। अब वो घर वापस नहीं लौटना चाहता। ये घटना रहट गांव की है। जुलाई 2013 को यहाँ थाने में एक पिता की रिपोर्ट पर उसके बेटे की गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने गुमशुदा की तलाश शुरू की। काफी कोशिशें करने के बाद भी उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद जनवरी 2017 में उस गुमशुदा के पिता ने विशेष सत्र न्यायालय हरदा में परिवाद दायर किया। इसके बाद गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने अपने गुमशुदा बेटे की हत्या कर लाश को गायब करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद कोर्ट ने अगस्त 2017 के निर्णय जारी कर पुलिस को केस दर्ज करने के निर्देश दिए। आरोपियों के खिलाफ थाना रहट गांव में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान गुमशुदा की तलाश में जुटी रही लेकिन हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बाद साल 2019 में अगस्त के महीने में केस बंद कर दिया गया। उधर पीड़ित पिता पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फरवरी 2021 में खात्मा अस्वीकृत कर दोबारा जांच की मांग की। इसके बाद 2023 में खात्मा खोलकर मामले की जांच शुरू की गई। SDOP आकांक्षा तल्या ने बताया कि सितंबर 2023 में उन्हें इस प्रकरण की जांच मिली। जांच में गुमशुदा के परिजनों, ग्रामीणों और संदेहियों से फिर से पूछताछ की गई पर कोई कामयाबी नहीं मिली। बावजूद इसके पुलिस लगातार कोशिश करती रही। SDOP ने आगे बताया कि गुमशुदा शख्स के परिजनों, ग्रामीणों और संदेहियों से पूछताछ से पता चला कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन बातचीत से ये भी पता चला कि उसका रहन सहन और बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। फिर इस दिशा में जांच शुरू की गई और एक टीम गठित कर जिला हरदा और आसपास के जिलों के किन्नर टोलियों से फोटो के आधार पर पूछताछ की गई। मुखबिरों को सक्रिय किया गया। फिर गुमशुदा के जीवित होने और दिल्ली और पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में किन्नर के रूप में रहकर जीवन यापन करने की जानकारी मिली। हरदा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और 11 सालों बाद गुमशुदा को सुरक्षित और जीवित ढूंढ निकाला। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका रहन सहन देखकर गांव वाले मजाक उड़ाते थे, उसे अलग अलग तरीके से चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से वो परेशान होकर अपना घर छोड़कर भाग गया था। उसने कहा कि मेरी हरकतें महिलाओं की तरह थी। युवक ने अब अपने परिवार के साथ रहने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली है और अब मैं उसी दुनिया में रहूँगा।